में छाया ऑक्सीजन का संकट, तो ऑस्ट्रेलियाई पेसर पैट कमिंस ने खोल दिया अपना खजाना। और उसके बाद भारतीय जनता किस तरह से उनकी तारीफ कर रही है, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। दरअसल भारत में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई शहरों के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आ रहा है। भारत सरकार की मदद के लिए हालांकि विदेशों ने भी हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने नेक काम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस ने कोरोना वायरस से जूझते भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए दान किए हैं। पैट कमिंस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि वो भी आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं, साथ ही वो दुनिया के नंबर वन टेस्ट गेंदबाज भी हैं। पैट कमिंस पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने कोरोना के लिए इस तरह से मदद की है, साथ ही उन्होंने बाकी क्रिकेटर से भी कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद की अपील की है। डोनेशन का ऐलान करते हुए कमिंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा, भारत एक ऐसा देश है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। यहाँ के लोग काफी अच्छे और दयालु हैं। फिलहाल इन लोगों को कोरोना की वजह से काफी कुछ सहना पड़ रहा है, इससे मुझे कष्ट होता है। हम खिलाड़ियों के बीच भी मौजूदा हालात को लेकर काफी बातचीत होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस महामारी के बीच में आईपीएल कराने का क्या मतलब है, पर कुछ लोग टूर्नामेंट को लेकर पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के मुताबिक भारत सरकार चाहती है कि लॉकडाउन में आईपीएल से लोगों को कुछ घंटे की खुशी मिल सके, इससे आइसोलेशन में मौजूद लोगों का अकेलापन दूर हो सकेगा। कमिंस ने इस पोस्ट में आगे लिखा, एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे खुशी है कि हमारे पास करोड़ों लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, इसका हम बेहतर इस्तेमाल करते हैं। ये सोचकर ही मैंने पीएम केयर्स फंड में दान किया है, इससे भारत सरकार को अपने अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीदने में मदद मिलेगी। मैं आईपीएल में अपने साथी खिलाड़ियों को भी यही कहूंगा कि अगर उन्हें इस देश और यहाँ के लोगों से प्यार है तो वो भी इस देश की मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाएं। मैंने पीएम केयर फंड में $50,000 दान किए हैं। इस तरह के माहौल में खुद को असहाय महसूस करना आम बात है। मुझे पता है कि मेरा डोनेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पर इससे कुछ की जिंदगी में तो जरूर खुशियां लौट सकेंगी। पैट कमिंस ने उस वक्त आईपीएल का सपोर्ट किया है जब उनके देश और कई और देश के क्रिकेटर्स 20 टूर्नामेंट में वापस अपने देश लौटने की घोषणा कर चुके हैं। इसमें एंड्रयू टाई, एडम जंपा और केन रिचर्डसन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं लियाम लिविंगस्टोन और भारत के रविचंद्रन अश्विन ने भी परिवार के साथ समय बिताने के लिए टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ दिया। पैट कमिंस की इस दरिया दिली की हर कोई तारीफ कर रहा है। प्रीति सिन्हा लिखती हैं, धन्यवाद पैट, पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला बहुत ही अच्छा है आपका। हमारे पीएम लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें अपने पीएम पर पूरा विश्वास है। बाकी आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। विष्णुवर्धन लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पैट जी, आपने सही समय पर बहुत अच्छा काम किया है। सभी सच्चे भारतीयों की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। यानी तारीफों के पुल जबरदस्त तरीके से बांधे जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैट कमिंस को पीएम केयर्स फंड में दान करने पर काफी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस के इस काम ने हर किसी का दिल जीत लिया। तो आप भी कमेंट्स के इस शानदार काम पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।